आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, जिस मौके पर पूरे देश में नारी शक्ति को सलाम किया जा रहा है। महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं की उपलब्धियों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। बिहार के अररिया जिले में भी खास दिन पर 34 बहादुर महिलाओं को सम्मानित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने इन लोगों की पहचान की है और उनके हुनर को दुनिया के सामने लाया है। ये महिलाएं और छात्राएं अलग अलग क्षेत्रों में जिले का नाम रोशन कर रही हैं। जिला जज के हाथों से सम्मानित होकर ये बहादुर महिलाएं बेहद खुश हैं। बेटियां वो चांस को गवा नहीं रही, काम कर रही हैं, हर फील्ड में काम कर रही हैं और वो अच्छा कर रही हैं। तो कह सकते हैं कि महिलाएं बहुत आगे आई हैं। आने वाले समय में और भी बहुत सारे काम होने वाले हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ मैं। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने काम किया है, आने वाले समय में और भी काम करूँ। अवार्ड मिलने से और लगता है कि और बेहतर काम करने की इच्छा होती है। ये सम्मान बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सम्मान मिलना तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहूँगी कि जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अररिया की हर बेटी को मौका दे, पेरेंट्स मौका दिए, इस वजह से मैं आज यहाँ हूँ। तो मैं यही चाहूंगी, मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं मेरे पीछे जो बच्चे खड़े हैं, जो बच्चे हैं, मैं उनको साथ दूँ, उनको सहायता करूँ और वो आगे बढ़ूँ। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने चीफ इंस्पेक्टर सर मोहम्मद मुसाद अंसारी सर का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इस तरह से शिक्षित किया कि मैं इस मुकाम पे हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से सम्मानित होने के साथ मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं अपने संस्था टाइगर मार्शल आर्ट अकेडमी सुतोकान कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को भी धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्हीं की वजह से हमने सम्मान किया गया है। और ये बहुत देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग को प्रोत्साहन करने के लिए, आज हम लोग को महिला को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग को ये प्रोत्साहन का समारोह रखा गया। सम्मान समारोह में हम लोग को ये मतलब फील हुआ कि अब महिला पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में आगे है। और आगे बढ़ने के लिए हम लोग को जो अब करना है, जिला का नाम रोशन करना है इसी तरह। और ये सम्मान समारोह के बाद लग रहा है कि नहीं, और आगे जाना है और अच्छा करना है और इसी तरह अपने जिला का नाम रोशन। किस क्षेत्र में आपने जी? शतरंज के क्षेत्र में। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सारी महिलाओं को मुबारकबाद देती हूँ। और जिस तरह से हम लोगों को आज सम्मानित किया गया कोर्ट परिसर की तरफ से, ये बहुत खुशी होती। और इसे सम्मान देने से जो भी क्षेत्र महिलाएं काम कर रही हैं उनका मन जो है उनका और मनोबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। और जो भी क्षेत्र में काम कर रही हैं और अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करेंगी कि इसी तरह इनका मान और सम्मान और आगे बढ़ता जाए। और आज हमारे पुरुष प्रधान देश में भी आज महिलाएं पुरुष से कंधे से कंधा काम मिलाकर अपने हर कार्य क्षेत्र में ईमानदारी के साथ बिल्कुल महिलाएं काम कर रही हैं। और मजबूत होने की जरूरत है। हर क्षेत्र में सारी महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल आप जिस भी क्षेत्र में जिस पद पे आज कार्य कर रही हैं, काम कर रही हैं, आप बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक काम करें और इसी तरह हम लोग का मान सम्मान बढ़ाए, हमारे देश का नाम ऊंचा होगा, हमारे बिहार का नाम ऊंचा, हमारे अररिया का नाम रोशन होगा। उम्मीद बहुत है, हम चाहते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम से उनका मनोबल बढ़ता रहे और आज इतने समूह में आ करके उनको भी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि चलिए हमारी उनकी जो मेहनत है, उनका जो कर्म है, उनकी जो श्रेष्ठ जीवन पद्धति है, उससे और लोग प्रभावित होंगे, उससे और लोग आकर्षित होंगे और इस तरह से दूसरी बच्चियां भी, दूसरे औरतें भी प्रभावित होकर समाज के लिए अपना अपना योगदान देंगी। हम ये समाज सदैव जो है महिला वर्ग का, महिला पक्ष का सदियों से स्वागत करता रहा है, करेगा भी, और उनका योगदान हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। यहाँ तक कि चांद सितारे तक भी पहुँचने में महिलाओं का कदम पीछे नहीं है। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा जो आधा समाज है, हम लोगों के साथ हम दोनों लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस समाज को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे।